हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पे स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्डिंग स्टोन के बारे में पहला चैप्टर है जो हमारा। सबसे पहले हम जानते हैं कि खदान क्या होता है। चट्टानों से पत्थर निकालने की क्रिया जो होती है वो खदान कहलाती है। जहाँ से पत्थर निकाला जाता है उसे खदान कहते हैं। जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे खदान कहते हैं, उत्खनन। चट्टानों से पत्थर प्राप्त करने की क्रिया उत्खनन कहलाती है। जहाँ से हम पत्थर प्राप्त करते हैं उसे खदान कहते हैं, और उत्खनन जब चट्टानों से पत्थर जो क्रिया होती है, खदान से पत्थर प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे उत्खनन कहते हैं। और पत्थर जो हम प्राप्त करते हैं उसमें नमी होती है, एक प्रकार से उसमें नमी रहती है, जिसे हम धूप में सुखाते हैं बाद में, उसे हम क्या कहते हैं, खदानी रस। ये टर्मोलॉजी है स्टोन के कुछ, इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। पहला होता है खदान, जिस स्थान से हम पत्थरों को निकालते हैं उसे खदान कहते हैं। उत्खनन की क्रिया कहते हैं जब, जैसे जो हम चट्टानों से पत्थर प्राप्त किए वो कैसे प्राप्त किए उसके बारे में हम उत्खनन उसे कहते हैं, खदानी रस। और जो पत्थरों में जो हम पत्थर प्राप्त किए उनमें एक नमी विद्यमान रहती है, उस नमी को हम खदानी रस कहते हैं। विस्फोटक, कभी कभी जैसे हम चट्टानों से पत्थर प्राप्त करने के लिए विस्फोटन विधि का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम विस्फोटक लगाते हैं चट्टानों में, और ज्वलनशील पदार्थ जो आग लगाने पर धमाका कर देते हैं उसे विस्फोटक कहते हैं। और अगर और जो धमाका होने की क्रिया होती है, जैसे हम विस्फोटक लगाए और उनमें धमाका हो गया तो उसे उस क्रिया को क्या कहते हैं, विस्फोटन।
यदि किसी कारण धमाका न हो, यदि मान लीजिए किसी कारण वह आग न पकड़े, विस्फोटक आग ही न पकड़े, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अविस्फोटन। पलीता, विस्फोटक के ऊपर जो एक 25 सेमी की पलीता लगाया जाता है, जिससे मतलब अगर कोई विस्फोटक लगा दिया उस पर पहले आग लगाते हैं तो वहाँ कुछ दूर लंबा रहता है, तो क्या रहेगा कि जो व्यक्ति आग लगाएगा वो वहाँ से दौड़कर निकल सकता है, इसलिए पलीता की लंबाई ज़्यादा रहती है और वहाँ सूती डोरी होती है प्रकार से। जैसे हम किसी स्थान से पत्थर निकालते हैं तो पहले हम उसका स्थल चयन करते हैं कि वहाँ मतलब पत्थर जो है कितने दिनों तक के लिए हम यूज कर सकते हैं, कि मतलब अगर 2-4 महीनों के लिए होता है तो उसको भी देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वह बहुत बड़ा पत्थर हो, चट्टान बहुत विस्तृत फैला हुआ हो, और दूसरा हम देखते हैं कि मतलब वह किसी सड़क मार्ग के निकट है कि नहीं, या रेल मार्ग के निकट हो, क्योंकि पत्थरों को ले जाने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है, या समुद्री तट के निकट है कि नहीं, और वह बाढ़ रहित क्षेत्र होना चाहिए। अगर वह बाढ़ रहित क्षेत्र नहीं होगा तो हम वर्षा के दिनों में पत्थरों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम उसका सिलेक्शन करते हैं, और वह मतलब सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, ऐसे वहाँ आबादी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम विस्फोटन विधि से पत्थरों को प्राप्त करना चाहेंगे तो वहाँ पर अगर आबादी रहेगी तो उन्हें नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए सुरक्षित उत्खनन भी होना चाहिए उनका। इसलिए हम पहले साइट सिलेक्शन उसका करते हैं कि किस स्थान से हम पत्थरों को प्राप्त करेंगे। देखिए, पर्याप्त पत्थर होना चाहिए, पहले साइट सिलेक्शन करेंगे क्यूरिंग के लिए। अगर हम कहीं खदान है वहाँ से पत्थर प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला, पर्याप्त पत्थर होना चाहिए, जिस खदान से हम पत्थरों को प्राप्त कर रहे हैं वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। और दूसरा होना चाहिए पहुंच मार्ग, जैसे वह किसी सड़क के निकट होना चाहिए, क्योंकि ले जाने के लिए सड़क या रेलवे स्टेशन या समुद्री तट के निकट होना जरूरी है, क्योंकि इससे समय कम लगता है। बाढ़ रहित क्षेत्र होना चाहिए, उस क्षेत्र में पानी नहीं आना चाहिए। अगर जहाँ क्यूरिंग का कार्य चल रहा है, खदान का कार्य चल रहा है, अगर उस क्षेत्र में पानी आ गया तो हम खदान में से पत्थरों को नहीं निकाल पाएंगे। आबादी से दूर होना चाहिए, यह क्षेत्र आबादी से दूर होना चाहिए, क्योंकि इसके समीप क्रशर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े संदलक लगाए जाते हैं जिनसे पत्थरों को तोड़ा जाता है।
जब विस्फोटन क्रिया हो जाती है उसके बाद पत्थरों को तोड़ने के लिए हम संदलक लगाते हैं जिसे क्रशर कहते हैं। और विस्फोटन क्रिया भी हो गई, अगर विस्फोटन क्रिया करनी हो तो अभी आबादी से दूर होनी चाहिए। अगर आबादी से दूर नहीं होगी तो किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है या कोई गलती से यहाँ आ जाता है तो उसकी जान को भी खतरा रहता है। उत्खनन कार्य करने की जो विधियां हैं वो पांच है। पहला हस्त विधि है। हस्त विधि जैसे हो गया, अगर कहीं नदी है वो कम गहरी नदी में अगर पत्थर पाए गए हों या फिर जो पत्थर हुए वो कम गहरी मृदा के नीचे हों तो हम उसके लिए हस्त विधि का प्रयोग करते हैं। हस्त विधि जो होती है वह श्रम, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत भी लगता है और ज़्यादा समय भी लगता है और यह केवल नरम चट्टानों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया लेटेराइट हो गया, कंकड़ प्राप्त करने को तो हस्त विधि का प्रयोग करते हैं। तापी विधि है जो एक सरल विधि है। इसका प्रयोग जैसे हम पहले चट्टानों के ऊपर लकड़ी घास फूस रखकर उसे घंटों तक जलाते हैं, फिर वह चट्टान जो होती है उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है तो वह धीरे धीरे मुख्य चट्टानों से अलग हो जाती है, उसे हम तापीय विधि कहते हैं। तापीय विधि का प्रयोग जैसे हम देखते हैं रेल मार्ग हो गया या सड़क हो गया, सड़कों में या रेल मार्गों में जो गिट्टियों का प्रयोग होता है वह तापीय विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। फनी या फच्चड़ विधि, नलिका विधि, विस्फोटन विधि, इसमें सबसे मुख्य विधि होती है विस्फोटन विधि। विस्फोटन विधि जो होती है उसके लिए सबसे पहले हम हस्त विधि को देखते हैं। हस्त विधि, जब पत्थर नदी की कम गहराई पर हो, जब पत्थर नदी मतलब अगर हम उसमें पत्थर निकालना चाहे तो वह आसानी से निकल जाए, ज़्यादा गहराई पर ना हो या कम गहरी मृदा के नीचे हो। अगर ज़्यादा गहराई पे मृदा के नीचे होगी तो हम उसके लिए गति संबल फावड़े का प्रयोग नहीं कर पाएंगे सही से, तो हस्त विधि का प्रयोग करते हैं। नरम चट्टानों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि गति संबल अगर स्तरित चट्टाने जो होती है हमने बताया था स्ट्रेटिफाइड जो होती है वो कम मजबूत होती है, जैसे हो गया बलुआ पत्थर हो जाता है और चूना पत्थर, इसके बारे में बताया था। अगर इसकी जगह पे अस्तरित चट्टाने होती जैसे ग्रेफाइट होता, बेसाल्ट होता, ट्रैप होता तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है जिससे हम इन उपकरणों का भी प्रयोग न कर पाते, यह एक श्रम साध्य। जैसे इन चट्टानों को तोड़ने के लिए इनमें बहुत अधिक समय लगता है और ये एक मानसिक कार्य है क्योंकि यह हस्त विधि है और अधिक समय, इसमें बहुत अधिक समय भी लगता है।
इसके लिए गैती संबल या फावड़े का प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है इसके लिए। यह एक सरल विधि है, परंतु इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे हो गया में रेल मार्ग हो गए या सड़कों पर जो गिट्टियाँ बिछाई जाती है उनके लिए तापीय विधि द्वारा ही प्राप्त की जाती है। तापीय विधि में जो घास फूस होते हैं, लकड़ी होते हैं, वो चट्टानों के ऊपर रखकर घंटों तक जलाए जाते हैं, जिनसे वह मुख्य चट्टानों जो मेन चट्टान होती है उससे वह अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें हस्त विधि द्वारा जैसे गैती संबल फावड़े की मदद से उन्हें अलग कर लिया जाता है। और इस प्रकार से जो हमें चट्टाने प्राप्त होती हैं उन्हें तापी विधि द्वारा चट्टाने प्राप्त किया जाता है। तापीय विधि, यह विधि एक सरल विधि होती है। इसके लिए घास फूस व लकड़ी को चट्टानों के ऊपर रखकर जला दिया जाता है, जिससे यह मुख्य चट्टानों से अलग हो जाती है, क्योंकि ताप के कारण पत्थरों का प्रसार होता है और वह भद्दी ध्वनि के साथ टूटकर अलग हो जाती है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें उसे ताप दिया जाए तो वह अलग, उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होने लगता है धीरे धीरे। अब जब कोई भी चीज़ अगर प्रसार हो रही है तो एक सीमा के बाद वह टूट जाएगी और वह अपने में मुख्य चट्टानों से, जब चट्टान के रूप में हम लेते हैं तो वह मुख्य चट्टान जो होती है उस चट्टान से अलग हो जाती है। उस चट्टान से जब अलग हो जाती है तो हम उस धन फिर हम उस उसे हस्त विधि द्वारा, जैसे गैती हो गया, संबल फावड़े की मदद से या ड्रिगिंग करके, मतलब उन्हें खुदाई करके किसी भी तरह से उस चट्टान को तोड़ लेते हैं। और इसके लिए यह विधि जो होती है बहुत सरल विधि होती है। और जो गिट्टियों के रूप में हम देखते हैं रेल मार्गों तथा सड़कों में जो गिट्टियाँ प्रयोग की जाती है वो मुख्यतः इसी प्रकार तापी विधि द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे कि और भी विधियाँ हैं इसकी जो खुदाई करने की, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम अगले दिन मिलते हैं।